बीएचयू बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए डू मैथ के इस चैनल पर आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत है। करंट एजुकेशन सिनेरियो के अंतर्गत ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद जल्द ही 2-4 दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये आखिरी वीडियो है। कोशिश की गई है कि जो शेष अन्य चीज़ें हैं और भी जो शिक्षा से संबंधित विविध पहलू हैं उसको शामिल किया जाए, लेकिन चूंकि विषय का स्वरूप और स्कोप इतना बड़ा है कि सारे प्रश्नों को समाहित करना इतने वीडियो में संभव नहीं है। फिर भी पूरी कोशिश की गई है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, पीडीएफ को पढ़िए और भी शेष थोड़ा बहुत जो इधर उधर से पा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो होने वाली आगामी प्रवेश परीक्षा है उसमें एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो विविध के अंतर्गत कुछ शेष जो अन्य चीज़ें बची हैं आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हमने कोशिश की है कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आंसर लिए हैं, इसको आप प्रश्न के माध्यम से फ्रेम करके किसी भी तरीके से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है और दूसरा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली जो चयन परीक्षा होती है, सिविल चयन परीक्षा, उसमें सृष्टि वाफना ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद के लिए एक सार्थक पहल की शुरुआत की गई है कि जिसके जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाएगा। केरल ने भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। देहरादून 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला है। देश का पहला कोरोना से सुरक्षित स्कूल हरियाणा में शुरू किया गया है। पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजूस को टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया। स्कूली बच्चों के प्रशिक्षण हेतु इसरो ने युविका कार्यक्रम की शुरुआत की। युविका का जो फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, तो ये एक तरह से स्कूली बच्चों के प्रशिक्षण हेतु इसरो का एक कार्यक्रम है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो एमफिल प्रोग्राम चलता था पीएचडी के पहले एक साल का, उसे बंद करने की सिफारिश की गई है। और आर्किटेक्ट के विद्यार्थियों के लिए आईआईटी खड़गपुर ने जो वास्तुशास्त्र की कक्षाएं हैं उसको प्रारंभ किया है। महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी विज्ञान विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी विज्ञान विश्वविद्यालय ने। शिक्षा मंत्रालय या जिसे कह सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हालांकि नई शिक्षा नीति के अनुसार इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, साइबर पीस और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने संयुक्त रूप से साइबर सिक्योरिटी के प्रशिक्षण देने हेतु ई सक्षम एक ऐप की शुरुआत की है। CIIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरु ने 121 भारतीय भाषाओं के प्रकाशन हेतु भारत वाणी नामक एक शैक्षिक ऐप की शुरुआत की है। भारत वाणी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरु के 121 भारतीय भाषाओं का प्रकाशन करता है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में विश्व का पहला सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय दिव्यांगों हेतु शुरू किया है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम हेतु विद्यार्थी विज्ञान मंथन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। विज्ञान मंथन एक मोबाइल ऐप है जो NTS की परीक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। NCERT की बुक्स को ऑनलाइन कर दिया गया है और इस बुक्स के हम वेब पोर्टल www.ncertbooks.ncert.gov.in पे जाके देख सकते हैं।
विद्यार्थियों हेतु एक नया शैक्षिक प्रोग्राम के सर्च के लिए एक नया सर्च इंजन शुरू किया गया है जिसका नाम है स्कूगल। जैसा कि आप सभी जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है, उसी के तर्ज पर स्कूगल एक विद्यार्थियों के लिए नया सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। तो कई बार पूछता है कि स्कूगल क्या है। गुजरात में भारत का प्रथम टेक्सटाइल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 नवंबर को ही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन भी है। तो उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। मस्क MUS के कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि इसका शिक्षा के संदर्भ में इसका क्या फुल फॉर्म है, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष हिफा HEFA इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और अगला है स्टार्स, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। PMMNMTT का फुल फॉर्म है पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। ये जो केंद्रीय सरकार का एक कह सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो नए रिक्रूटेड न्यूली रिक्रूटेड शिक्षक होते हैं या इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग देने के लिए ये इसका डेवलपमेंट किया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों और इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग देने के लिए इसके जरिए दिया जाता है। LAFE लिटरेरी एजुकेशन फॉर एडल्ट्स एंड फैमिलीज, ये कम आय के वयस्कों और बच्चों परिवारों को जिनकी आमदनी बहुत कम होती है उनके वयस्क बच्चे और परिवारों के लिए एक वार्षिक शैक्षिक प्रोग्राम है लिटरेरी एजुकेशन फॉर एडल्ट्स एंड फैमिलीज LAFE। अप्रीत APRIT इसका जो फुल फॉर्म होता है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। अप्रीत यानी एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ये प्रायः है जो हायर एजुकेशन की फैकल्टीज़ होती हैं उनके ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए स्वयं के तहत एक पहल के रूप में शुरू किया गया कि नहीं वो ट्रेंड हो सके और उनके अंदर जो पेशेवर दक्षताएं हैं वो आ सकें। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, अर्थात व्यापक जो है वो ऑनलाइन कोर्स बड़े पैमाने पर लाने के लिए उसके लिए MOOC फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये जो स्वयं है स्पेलिंग जिसकी होती है SWAYAM इसका जो फुल फॉर्म है MOOC के संदर्भ में वो इस प्रकार है कि स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, एक तरह से यह भारतीय MOOC है यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। स्वयं जो है ये व्यापक रूप से एक ऑनलाइन ऐसा कोर्स है जिसका उद्देश्य है मुख्य रूप से तीन बातें इसमें हैं कि एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी की बात की जाती है कि ट्रेनिंग से संबंधित उन्हें चीज़ों की एक्सेस हो पहुंच हो और उसमें एक समता हो और गुणवत्ता हो। LEAP लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, यह प्रायः एक ऐसा कार्यक्रम है जो 3 सप्ताह का होता है, 2 सप्ताह जो देशीय स्तर पर घरेलू ट्रेनिंग दी जाती है लीडरशिप की और 1 सप्ताह की विदेशी प्रशिक्षण विदेशों में जाके प्राप्त किया जाता है। और जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक्स होते हैं उसके जो उच्च शिक्षा से संबंधित सारे लगे हुए स्टाफ्स होते हैं उनके लीडरशिप के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है, 2 सप्ताह देश में दी जाती है और 1 सप्ताह विदेश में उसको दी जाती है। एजुसेट ये जो है GSAT 3 का एक कह सकते हैं कि सैटेलाइट है और एजुसेट इसरो द्वारा 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था।
यह एक प्रकार से एजुकेशनल सेटेलाइट है। एजू सेट एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, एजू मतलब एजुकेशनल, सेट मीन्स सेटेलाइट, एजुकेशनल सेटेलाइट है ये, शिक्षा से संबंधित सेटेलाइट है। शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सेटेलाइट लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा 20 सितंबर 2004 को। यहाँ अब चार पांच मुख्य रूप से जो संस्थान हैं, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक मानसिक विकलांगताएं वाले जो बच्चे होते हैं उसको हम देख लें। कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, NIVH इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, ये देहरादून में है। NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, यह हैदराबाद में है। और NIHH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, ये मुंबई में है। और NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, ये कोलकाता में है। ये चार प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल चिल्ड्रेंस के लिए चार प्रकार के बड़े राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जो बहुत ही फेमस हैं। यानी NIVH देहरादून, NIMH मेंटल रिटार्डेशन के लिए हैदराबाद है, और हियरिंग वालों के लिए NIHH मुंबई में है, और आर्थोपेडिक के लिए NIOH जो है ये कोलकाता में है। एक और क्वेश्चंस कई बार पूछता है यूएन से संबंधित, हालांकि कई सारे होते हैं लेकिन हमने एक दो पॉइंट्स को लिया है। यहाँ यूएन CRPD पूछता है क्या है, तो ये यूएन CRPD जो है ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, एक अभिसमय है, सम्मेलन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनसे संबंधित ये संयुक्त राष्ट्र का एक अभिसमय कन्वेंशन या सम्मेलन कह सकते हैं, जिसमें उनके अधिकारों की बात की गई थी, उसके अधिकारों से संबंधित घोषणाएं हैं जिन पे दुनिया के कई सारे देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किया है। अगला है NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसकी जो है चार क्षेत्रीय समितियाँ हैं जिसके माध्यम से NCT अपनी पूरे फंक्शनिंग को अंजाम देता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है ये शिमला में स्थित है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान इंडियन हायर स्टडी इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है। IIT खड़गपुर ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL की स्थापना की है, IIT खड़गपुर NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। सबसे अधिक जो फर्जी विश्वविद्यालय अभी हाल ही में सूची जारी की गई थी, सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे अधिक जो प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या है वो राजस्थान में है, सबसे अधिक जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय जिनको स्वायत्तता दी गई है, वो तमिलनाडु में है, और सबसे अधिक जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, राज्य विश्वविद्यालय, वो उत्तर प्रदेश में है। प्राथमिक शिक्षा में एक सगुन नामक जो है नवाचार पोर्टल की शुरुआत की गई, यानी सगुन क्या है, बेसिक एजुकेशन के लिए नवाचारी प्रयास का एक पोर्टल है जिसका नाम है सगुन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में मेटा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आप लोग कोशिश करें कि जहां अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो एक दो पॉइंट्स पर गूगल सर्च करके उस चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि समय अभाव के कारण यहाँ बहुत विस्तृत चीज़ें बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं चीज़ों को बस टू द पॉइंट बताते चल रहा हूँ। और NEP 2020 का जो ड्राफ्ट है, इसके जो 5 पिलर्स हैं, वो 5 स्तंभ हैं, वो इस प्रकार हैं, जिसमें एक्सेस की बात की गई है, इक्विटी की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, अफोर्डेबिलिटी की बात की गई है, और क्वालिटी की बात की गई है। NHERA नेशनल उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी, NCERT की जो कार्यकारी समिति होती है उसका अध्यक्ष जो होता है वो मानव संसाधन विकास मंत्री, या आज के संदर्भ में कहें नई शिक्षा नीति के अनुसार तो वो मानव विकास संसाधन मंत्री को अब शिक्षा मंत्री कह दिया गया। यानी NCERT की जो कार्यकारी समिति होती है उसका अध्यक्ष वर्तमान में शिक्षा मंत्री होता है। प्रथम जो है वर्चुअल विश्वविद्यालय की स्थापना तमिलनाडु में की गई है, और साइट SIT इसका जो फुल फॉर्म होता है वह सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है, सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और 15 अक्टूबर को अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को विश्व विद्यार्थी के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को
सॉरी अबुल कलाम नहीं बल्कि अभी जो हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अबुल कलाम आज़ाद को हम लोगों ने पहले 11 नवंबर को पढ़ चुका है, वो मिसप्रिंट हो गया है, तो 15 अक्टूबर को इसको आप लोग सही पढ़ लें कि 15 अक्टूबर अबुल कलाम आज़ाद नहीं बल्कि जो हमारे मिसाइल मैन थे, बहुत चर्चित वैज्ञानिक थे, जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है, इसने JEE और NEET की परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए एक प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफार्म लॉन्च किया है जिसका नाम है अभ्यास ऐप, और दिल्ली में हैप्पीनेस कैरिकुलम की शुरुआत की गई है। CBSE के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा CBSE के बच्चों को दी जाएगी, और कुछ सूचकांक हैं कि वैश्विक जलवायु सूचकांक, आप लोग कोशिश करें कि और भी कई तरह के अन्य सूचकांक हैं उसको एक बार 10-20 सूचकांक नोट कर ले, देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपका निश्चित रूप से परीक्षा में मिलेगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को 7वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था, उसका नाम गुरुग्राम है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, और हैदराबाद में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को 62वां स्थान मिला है। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक जो है 120 है, 120वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत जो है वो 10वें स्थान पर है, और विश्व के टॉप 200 शिक्षा संस्थाओं में, 200 शिक्षा संस्थाओं में भारत के 3 विश्वविद्यालय हैं, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दीक्षा ऐप जिसका फुल फॉर्म होता है दीक्षा, DIKSHA, डिजिटल नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल नॉलेज शेयरिंग दीक्षा ऐप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसे हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद घर पर बैठे अपने मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने 5 सितंबर 2017 को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल diksha.gov.in की शुरुआत की। दीक्षा ऐप NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है, और इस ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्र अपने मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से भारत के लगभग सभी बोर्ड्स की पढ़ाई कराई जाती है। आप भारत के किसी भी राज्य से हों, यह ऐप आपके लिए या आपके घर के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस ऐप में आपको स्टडी मटेरियल्स, वीडियो, PDF, HTML, EPUB, मोबाइल, इन सभी फॉर्मेट्स में उपलब्ध हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार फॉर्मेट का चयन कर सकते हैं। दीक्षा ऐप के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल और मराठी भाषा में कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो इस वीडियो का आखिरी भाग है, मिशन पेड़ा उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। मिशन पेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर इसको घोषणा की गई थी, और मिशन पेड़ा को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य वो यह है कि बच्चों की बेसिक शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ ही साथ उनको पढ़ाई के लिए आकर्षित करना है, बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है, स्कूलों की दशा को सुधारना है, बच्चों के अधिगम स्तर को सुधारना है। और इस कार्यक्रम को मूलभूत शिक्षण कौशल पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया है, ताकि जो बच्चों की समझ है उसके साथ साथ पढ़ने और गणित की बुनियादी और भाषा की जो बुनियादी क्षमताएँ हैं उसका विकास किया जा सके। मिशन प्रेरणा की जो कार्य योजना है वह इस प्रकार है, जिसे हम कह सकते हैं, जो कार्य योजना बनाई है कि नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित करना, अर्थात छात्र छात्राओं के शिक्षा स्तर में सुधार का आकलन करने के लिए नियमित रूप से प्रत्येक त्रैमास पर स्कूल लेवल असेसमेंट आयोजित किए जाने की बात कही गई है। फाउंडेशन लर्निंग गोल्स एवं मूल्यांकन, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में भाषा एवं गणित के सुधार को सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु फाउंडेशन लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 5 भाषा के और 5 हिंदी के 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और उस लक्ष्यों के अनुरूप ही
हमें आगे का जो कार्यक्रम हो चलाना है। और प्रेरणा तालिका फाउंडेशन लर्निंग गोल्स को त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते हुए प्रेरणा तालिका में अंकित करना है। और प्रेरणा तालिका में जो बच्चों की दक्षताएं हैं, कक्षा 1, 2, 3 में 14-14 दक्षताएं, 4 और 5 में 16-16 दक्षताएं हैं, हमें वो अंकित करना है आकलन करके कि उन दक्षताओं में बच्चे जो है कहाँ पर हैं, कौन सा बच्चा कितनी दक्षताएं हासिल करता है और कितना हासिल नहीं किया है। और सपोर्टिव सुपरविजन की बात की गई है, सभी जिलों के समस्त विकास खंडों में 5-5 ARP यानी 5 ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और 1 डायट को मेंटर की व्यवस्था दी गई है। ये लगातार सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से मिशन पेड़ा को अमल में लाने की कोशिश करेंगे। निष्ठा कार्यक्रम, निष्ठा मिशन पेड़ा के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समस्त विकास खंडों में व्यापक स्तर पर उत्तर प्रदेश में चलाया गया एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के द्वारा कई सारे जो स्कूल्स हैं, कौशल्स हैं, उन पे अध्यापकों की ट्रेनिंग दी गई। और उसके साथ ही साथ जो निष्ठा है उसका फुल फॉर्म आप जानते रहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा योजना की शुरुआत की थी। निष्ठा का जो फुल फॉर्म है NISHTHA यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये केंद्र सरकार द्वारा NCERT की एक योजना है। सरकार ने स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को एक खास प्रशिक्षण देने की बात कही है। फिलहाल इनमें 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले करीब 42 लाख शिक्षकों को पूरे देश में शामिल किया गया है। और इस योजना को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री तत्कालीन जो थे रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया था। आज के समय में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। और इसके बाद जो दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों के लिए अतिरिक्त डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। और कंपनी के CEO जो सुंदर पिचाई ने इस इवेंट में रीड एलांग ऐप, मोबाइल ऐप का जिक्र किया। और सुंदर पिचाई ने बताया कि इस ऐप को 2019 में ग्लोबली लॉन्च किया गया था। रीड एलांग ऐप है और इसे 180 देशों में यूज किया जा रहा है। यह ऐप कई भाषाओं को सपोर्ट करती है। रीड एलांग ऐप बोलो ऐप की खूबियाँ की, जिसमें बच्चा बोल के पढ़ता है और जो उसकी गलतियाँ होती हैं उसको सुधारा जाता है, उसको पुनर्बलन दिया जाता है कि शाबाश बहुत अच्छे और पढ़ो, इस तरह से उसको प्रोत्साहित किया जाता है पढ़ने के लिए। और रीड एलांग ऐप एक रीडिंग ट्यूटर ऐप है, इसे 5 साल या उससे ज़्यादा के बच्चों के लिए बनाया गया है। रीड एलांग ऐप जो है अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, तेलुगु, मराठी, स्पेनिश, तमिल और पुर्तगाली जैसे भाषाओं को सपोर्ट करता है। रीड एलांग ऐप में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से बच्चों के पढ़ने के कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रीड एलांग ऐप की खास बात यह है कि यह बिना इंटरनेट के भी चलती है। इसमें मौजूद असिस्टेंट जो बच्चों के रीडिंग स्किल को बेहतर बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ उन्हें फीडबैक भी देता है। गूगल ने रीड एलांग ऐप को मोबाइल ऐप में कथा किट्स और छोटा भीम जैसी किताबें भी शामिल की हैं। साथ ही इसमें कई एजुकेशनल गेम्स भी दिए गए हैं। इन ऐप की मदद से बच्चों की रीडिंग स्किल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप में मल्टी चाइल्ड प्रोफाइल फीचर भी दिया गया है, जिसकी मदद से 2 बच्चे एक साथ इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इस ऐप को अब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप सभी लोगों को आगामी होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत गुड लक। आप लोग बार बार जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको देखें, रिवीजन करें। उसमें अगर कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप गूगल पे जाएं, विकिपीडिया पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, उन चीज़ों को ज़रूर देखें, क्लियर करें। और भी जो कुछ कई सारे सूचकांक दिए गए हैं उनको देख लें। तो निश्चित रूप से हमने कोशिश किया कि इतने कम समय में एक आपको बेहतर अवसर दिया जाए, बेहतर जानकारी दिया जाए। और निश्चित रूप से अगर ये जानकारी आपके आगामी आने वाली परीक्षा में काम आती है तो मैं समझूंगा कि नहीं, ये मेरा जो छोटा सा प्रयास रहा वो सार्थक रहा। थैंक यू सो मच, गुड लक।